पौड़ी गढ़वाल जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 फरवरी को होने वाले दौरे से पहले देर रात हुई बारिश ने जिला प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। देर रात हुई बारिश के चलते कंडोलिया मैदान में पानी भर जाने से कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा जिला प्रशासन के लिए राहत भरी खबर ये है कि आज मौसम खुला हुआ है और धूप होने के कारण मैदान को सही करने का काम भी किया जा रहा है। इसी क्रम में पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने बताया कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को भी निर्देशित किया कि समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर कार्य पूर्ण करने सुनिश्चित करें। पौड़ी से संवाददाता मुकेश बछेती की रिपोर्ट। मेरी वैसे जिलाधिकारी से बात हुई है और इस संबंध में वास्तव में परसों बारिश हुई और उसके चलते जो है मैदान थोड़ा सा गीला हो गया था, पर प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है और बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ उसको सफाई का काम कर रहे हैं और आज अच्छी धूप निकली हुई है। निश्चित रूप से कल तक जो है मैदान बढ़िया मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार रहेगा।